थैंक यू। साथियों नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का जिसने इस मनुष्य में जन्म दिया। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता का जिन्होंने इसे संस्कार दिए, जो सही और गलत का फर्क करना समझ में आया। और दोस्तों सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रंट में बैठे हुए जो हमारे मेंटर हैं, जिनकी वजह से आज ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ हैं जो हर एक आदमी चाहता हो, आज वो सारी खुशियाँ अपने पास है दोस्तों। तो हमारे फ्रंट में जितने भी हमारे मेंटर गुरु लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए एक ज़बरदस्त तालियां तो बनती है दोस्तों। थैंक यू। और शुक्रगुजार हूँ इस हॉल में बैठे हुए अपने उन सभी टाइगर का, जिन लोगों ने दिन रात इस बिजनेस को बड़ी ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया और कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करते करते वो पीछे की रो में जो व्यक्ति आज से 4 साल पहले आया था, भरोसा नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद इस बिजनेस में जाने अनजाने चला आया था और पीछे का हिस्सा हुआ था, जगह भी ना मिली थी, खड़ा था, लेकिन आज आप लोगों की मेहनत की वजह से ये स्टेज, ये मंच और ये पट्टा आप लोगों के वजह से हासिल हुआ दोस्तों। इसलिए अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय लूंगा नहीं दोस्तों, समय काफ़ी कम है, चंद बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाम राजकुमार, रहने वाला बिहार का हूँ, बेगूसराय जिला। दोस्तों इस बिजनेस से पहले अगर बात करूँ अपने जीवन की, तो बेहद एक मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार में जन्म हुआ। पिताजी छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय करके किसी तरह जितना भी उनसे हो पा रहा था अपने परिवार के लिए वो करते थे, और उसी परिवार में हमारा जन्म हुआ। किसी तरह अगर एजुकेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला, हालांकि पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि परिवार में सुख सुविधा के नाम पर कुछ ऐसा चीज़ दिख नहीं रहा था कि पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो। हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी को जीना पड़ रहा था, तो पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरह छोटी सी सोच थी, लोग कहते थे कि बिहार में कम से कम लोग अगर मैट्रिक पास कर ले तो कभी सरकार जरूरत पड़ने पर 2-4-5 लाख रुपये का लोन दे देती है। उसी छोटी सी सोच से किसी तरह मैट्रिक के एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया दोस्तों। मैट्रिक के एग्जाम को पास करने के बाद आगे जिंदगी में कुछ निर्णय लिया कि चलो कुछ काम धाम किया जाए, क्योंकि बहुत नज़दीक से गरीबी को देखा था और गरीबी नाम के इस बीमारी से काफ़ी चीर हो गई थी। सोचता था कोई मौका मिले, कुछ ऐसा काम मिले जिस काम को करके अपने परिवार से इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। और इसी सोच के साथ जो भी मिला, शुरू से ही लगभग मुझे लगता है 2004 में एक छोटा सा लकड़ी के कटरे में टेलीफोन बूथ की दुकान को खोल लिया दोस्तों। और टेलीफोन बूथ की दुकान खोलने के बाद उस दुकान में इतना मेहनत करने लगा, इतना मेहनत करने लगा, सवेरे 5 बजे उठना, रात में 12-12 बजे तक दुकान पर जागे रहना, ना घर जाना, ना किसी शादी में जाना, ना कोई छुट्टी, कोई मतलब नहीं, लगातार सवेरे 5 बजे दुकान खोल के बैठना और रात 12 बजे तक लगातार काम करना, खाना भी दुकान में खाना, सोना भी दुकान में, घर नहीं जाना। और लगातार इस तरह से 2004 से 2011 7 साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद एक दिन ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि जिस शहर में एक लकड़ी के कटरे में एक छोटे से स्टडी बूथ की शुरुआत की थी, 7 साल काम करने के बाद उस शहर का बेगूसराय शहर में सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम का मालिक बना दोस्तों, मोबाइल शोरूम का मालिक बना। जब अपने उस शोरूम को खोला, शुरू से ही मेहनत करने की आदत थी, और ज्यादा मेहनत करने लगा, और ज्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि शुरू से ही पैसा कमाने की भूख थी, भूखा था पैसा कमाने के लिए। लगातार और मेहनत किया,
2012 में एक और दुकान उसी बेगूसराय शहर में मैंने खोल लिया। 2012 तक में मेरे पास मोबाइल फोन की 2 होलसेल की दुकान हो गई दोस्तों, 2 होलसेल की दुकान हो गई। थोड़ा सा वक्त और गुजरा और चाहत भरी और मेहनत किया और 2013 में एक और मोबाइल फोन की दुकान को खोल लिया दोस्तों। यानी बेगूसराय शहर में लगातार एक कठरे से शुरुआत किया और 2014 तक 3-3 मोबाइल फोन के होलसेल की दुकान का मालिक बना दोस्तों। जिंदगी मजे में चल रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लाखों रुपए महीने की इनकम पहले से आ रही थी दोस्तों। और लाखों रुपए महीने की जब इनकम किसी के घर में आ रही हो तो जिंदगी अच्छी चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? जिंदगी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों को लगता है ना? मजे में जिंदगी चल रही थी। सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक दुकान जाना, रात में 10-11 बजे तक दुकान से आना, ना संडे था ना मंडे था, लगातार काम को किए जा रहा था। अचानक 2015 में एक शख्स हमारे दरवाजे पर आते हैं और उस शख्स से ना तो हमारा कोई खून का रिश्ता था, ना ही मेरे सगे संबंधी थे, थोड़ा सा जान पहचान था, बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं कर सकता, थोड़ा सा जान पहचान था, क्योंकि मैं मोबाइल फोन के होलसेल का दुकानदार था और वो बच्चे लोगों को मोबाइल फोन रिपेयरिंग कराने का कोर्स कराया करते थे और उनके बच्चे अक्सर हमारे दुकान पर कुछ सामान वगैरह की खरीदारी करने के लिए आया करते थे। तो जब उनके बच्चे अक्सर हमारे दुकान पर आते थे, कुछ खरीदारी करके जाया करते थे, तो 100-200-500 रुपए की कमाई हो जाया करती थी, तो हम थोड़ा सा उनको मान सम्मान इज्जत देते थे। और वही व्यक्ति एक दिन आते हैं हमारे दरवाजे पर और दरवाजे पर आने के बाद हमें एक फोल्डर के माध्यम से बताते हैं कि राजकुमार जी, यहाँ पर घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके, 4 साल काम करके आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया। दोस्तों बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, उन्हें भी जब पहली बार ये व्यवसाय देखने के लिए मिलता है और जब बताया जाता है कि आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख, हमें नहीं पता कि आप लोगों के साथ में पहली बार क्या हुआ होगा, आप कैसा रिएक्शन दिए होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो दोस्तों प्लान में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब वो स्लाइड आया ना, सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, मैं हंसने लगा। और हंसने का कारण जानना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी मोबाइल फोन का 3-3 होलसेल की दुकान को चला रहा था, 50 लाख से ज़्यादा का मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मेरे दुकान में। और उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद सवेरे 9 बजे दुकान पर जाना, रात में 10-12 बजे दुकान से आना, ना संडे था ना मंडे था, लगातार मेहनत कर रहा था, तब जाके महीने का 1 लाख रुपया मुश्किल से मैं कमा पा रहा था। और एक शख्स आके मुझे कहते हैं कि आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख, और वो भी कैसे? एक प्रोडक्ट खरीद के। कौन सा प्रोडक्ट? वही प्रोडक्ट जो हम अपने जीवन में इससे पहले भी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे। अरे हमारी तो छोड़िए, हमारे पिताजी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे, हमारे दादाजी भी खरीदारी करते आ रहे थे, लेकिन उनको किन्हीं ने नहीं बताया कि आप सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। और हमको एक शख्स आके कहते हैं कि राजकुमार जी, वही सामान जो आपके पिताजी खरीदते आ रहे थे, जो आपके दादाजी खरीदते आ रहे थे और जिसको आप मार्केट से खरीदते आ रहे हैं, उसकी खरीदारी करके सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। दोस्तों हंसी तो बहुत आई, लेकिन था क्या, 3-3 होलसेल की दुकान थी, 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी, इज्जत बचाने के लिए सोचे कि चलो एगो सामान लेके पिंड कटा लेते हैं, क्योंकि अगर एगो सामान नहीं लेंगे और कहीं ये नाराज हो जाएंगे तो जो इनके बच्चे विद्यार्थी आते हैं कुछ सामान खरीदारी करने के लिए, अगर उनको भेजना बंद कर दिए तो जो 200-400 रुपये आता है उसका नुकसान हो जाएगा। यानी अपने नुकसान को बचाने के चक्कर में सबसे कम दाम का एक सामान का खरीदारी कर लिया दोस्तों। और खरीदारी करने के बाद जब वो चले गए तो मुझे लगा कि चलो अपनी जान बच गई, भला टल गई। लेकिन मजा तो तब आया दोस्तों जब 3-4 दिन के बाद वो फिर वापस आते हैं और कहते हैं, राजकुमार जी 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए ना, 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए ना,
तो हम बोलते हैं उनको कि सर आप हमको बोले एक सामान का खरीदारी करने के लिए, हम खरीद लिए ना, हम खरीद लिए ना, आपकी बात को हम रख लिए ना। आप कहते हैं लोग से मिलाने, हम किससे आपको मिलवाए। हम 9 बजे दुकान आते हैं, रात में 12 बजे जाते हैं, ना अपने पास संडे है ना मंडे। अरे सर मेरे दुकान में जो आदमी सामान उधार लेके जाता है ना, हम उसको तगादा नहीं करते हैं। अगर पैसा दे दिया तो खाता पर तो नाम कर देते हैं, नहीं दिया तो खाते पर लिखा लगता है। हम कभी घर पर जाकर तगादा भी नहीं करते हैं, और आप हमको कहते हैं दो चार आदमी से मिलवा दीजिए। सर भी बहुत सुलझे हुए लोग थे, तो सर कहते हैं राजकुमार जी एक काम करिए, 9 बजे दुकान खोलते हैं, 709 2 घंटा का समय होता है, चलिए ना, आपका तगादा मार्केट में बहुत बाकी है, ऐसा करिएगा आप साथ में चलिए, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, तगादा भी करेंगे, प्लान भी दिखाएंगे। और दोस्तों उनकी ये बात सुन के हम मना नहीं कर पाए, और हमने अपने कुछ लोगों से उनका परिचय करवाया, और सर ने उनको बिजनेस का प्लान दिया। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि जो आदमी ऑलरेडी 3-3 होलसेल की दुकान चला रहा हो, 1,00,000 रुपया महीना कमा रहा हो, वो व्यक्ति अगर किसी के दरवाजे पर जाके बिजनेस के बारे में बताया होगा तो कोई मना किया होगा क्या? कोई मना किया होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, मेरे साथ भी वही हुआ जो आप लोग के साथ हो रहा होगा। जब तक सर प्लान समझाते थे कोई मना नहीं करता था, बोलता था बढ़िया वेल डन, परसों मिलिए ना, परसों मिलेंगे परसों, हाँ हाँ देख लिए हैं, तो कैटलॉग छोड़ दीजिए, मैडम से समझ के बताएंगे, मैडम से समझ के बताएंगे। तो नया थे, समझ में आता नहीं था, हमको लगता थी तो डन हो गया, मैडम से पूछ के बताएगा तो ले लेगा, परसों बुलाया है परसों जाएंगे हो जाएगा। लेकिन मजा तो तब आया जब 2-4-10 प्लान होने के बाद जब किसी को फोन कर रहे हैं तो फोन उठाना बंद कर दिया। अब किसी से मिलने जा रहे हैं उसके घर पर तो उनकी मैडम बोल रही है गाड़ी बाहर में लगा हुआ है, कहते साहब घर में नहीं है। अरे हद तो तब हो गई जब एक दिन एक दोस्त का बच्चा बोलता है पापा बोले पापा घर में नहीं। बड़ा गजब हो गया। दोस्तों एक बात बताए, जब कोई आदमी किसी बिजनेस की शुरुआत करे और बिजनेस में सफलता ना मिले तो क्या लगता है, उसे किसी की याद आती होगी? याद आती होगी किसकी? किसकी? अरे आप लोग सब समझदार हैं, इसीलिए आप लोगों को अपलाइन की याद आती है। अरे जिस आदमी का बहुनी नहीं हुआ हो, जिसके नीचे को फंसा हुआ नहीं हो, उसके लिए काहे का अपलाइन, काहे का अपलाइन। अरे अपलाइन डाउनलाइन तो तब समझ में आता है जब 150,000 माल अंदर आ जाता है। उससे पहले तो उसे याद आती है उस फंसाने वाले की जिसने उसको फंसाया। यस या नो? याद आती है? हमें भी याद आई अपने उस फंसाने वाले की। हमने संपर्क किया सर आपसे मिलना, सर बोले ठीक है आते हैं। सर आए दुकान पर, और जब दुकान पर आए तो हमने सर को कहा कि सर ये कौन सा बिजनेस आप हमको दे दिए, कौन सा बिजनेस दे दिए, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इससे बढ़िया तो मेरा वाला काम है, मेरा वाला। अरे मेरे काम में क्या है, दुकान पर बैठते हैं, कस्टमर आता है मोबाइल दिखाते हैं, पसंद आता है पूछता है कितने का, हम कहते हैं 10,000, कहता है 9400 में दे दो, पसंद आया दे दिए, पैसा 9400 गिन के रख लिए। अरे बहुत ज़्यादा बदमाशी करेगा क्या करेगा, 5,000 दे देगा, कहेगा लेना 4400 बाद में, 5 दिन बाद लेना, इतने करेगा ना। लेकिन ये कौन बिजनेस है कि एक बार जिसको प्लान दिखाए फोन करते हैं तो फोन उठाना बंद, घर में जाते हैं मिलने के लिए तो घर में रहता है, मैडम कहती घरे में है, बेटा बोलता है पप्पा बोले घरे में है, और रास्ता में कहीं नजर भी आ जाए तो पहले से गली में कट मार लेता है। ये कौन सा बिजनेस आप दे दिए दोस्त? वो दिन है, आज का दिन है। सर ने 3-4 मोटी मोटी बात बताई, और दोस्तों वही 3-4 मोटी मोटी बात जानने के बाद अपने जीवन में मानने के बाद आज उस भीड़ का हिस्सा ना होके इस मंच पर आके आ गया दोस्तों। थैंक यू। जानना चाहेंगे? सर ने पूछा आपके दोस्त क्या कहते हैं, हमने कहा मेरे दोस्त कहते हैं दोस्त इस काम काज को मत करो, ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये टोपी पहनाने वाला काम है,
लोग कागज पर करोड़पति बनते हैं, हकीकत में करोड़पति नहीं बनते हैं। अगर इस काम को आप करोगे तो 6 महीने के बाद लोग पेट्रोल का दिया जला के ढूंढेंगे। मत करो इस काम को। हमने 7-8 साल पहले करके देख रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सर ने जब हमारी सारी बातों को सुना तो सर ने कहा कैसा करिए, आप अपने एक दोस्त को फोन लगाइए। हमने कहा सर क्या फोन लगाए, पहले ही काफी बेइज्जती हो चुकी है। फिर भी सर माने नहीं, हमने फोन लगाया, अपने एक खास दोस्त को फोन लगाया। और फोन लगाने के बाद हमने अपने उस दोस्त को सर ने जैसा बताया था कि आप उनको बोलिए कि दोस्त ऐसा है कि तुमको डर लगता है, ये फंसने फंसाने का काम है, लोग तुमको खोजना शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद। तो ऐसा करो तुम सामान का शॉपिंग मत करो, तुम काम मत करना, तुम एक सामान का शॉपिंग कर लो, पैसा दोगे सामान मिल जाएगा, उसका गारंटर हम हैं। तुम काम मत करना, किसी को मत बताना। तुम अगर एक सामान ले लोगे तो मेरा बहुनी हो जाएगा, हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए, हमने भी बोल दिया। जानते हैं मेरा दोस्त क्या बोला, जाना चाहेंगे। मेरा दोस्त बोला, राजकुमार जी 3-4 बार आप हमको बोल चुके हैं बिजनेस के बारे में, कितना से शुरू होता है? तो समय 8-10 हज़ार से शुरू होता था। हम बोले भाई 8-10 हज़ार रुपया। बोला ऐसा है, आप हमसे 8-10 हज़ार रुपया ले लीजिए और जो खाना पीना है खा पी लीजिए, लेकिन हम आपका कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। अब जब ऐसा बात सुनने के लिए मिला तो बहुत मजा आया होगा ना, मजा आया होगा। वाकई में दोस्तों मजा नहीं आया। हमने सर को कहा लीजिए, मतलब पहले बोल दिए थे कि भाई बेइज्जती पहले काफी हो चुकी है और बेइज्जती मत कराइए, लेकिन आप तो माने नहीं। अरे होलसेल का दुकानदार है, मोबाइल का है, बेइज्जती का दुकानदार थोड़े है होलसेल का। लेकिन हमारे सर भी थे जिद पर अड़े हुए। सर बोले नहीं एक बार और फोन करिए। हम बोले काहे सर बेइज्जती करवा रहे। बोले नहीं एक बार और करना पड़ेगा आपको। हम बोले आपकी बार क्या बोलना है। तो सर बोलते हैं उनको बोलिए कि ठीक है आप सामान भी मत खरीदो सामान को, लेकिन ये तो बता दो क्या ऐसा करे जो यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ी हिम्मत जुटा के दोस्त उस दिन फोन किया और फोन करके बोला दोस्त मत खरीदो तुम सामान को, भरोसा नहीं है मत खरीदो, लेकिन इतना तो बता दो कि ऐसा क्या करे जो तुम यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ा मीठा सा एक जवाब आया, जानना चाहेंगे। बड़ा मीठा सा जवाब आया, जिस दिन 1 लाख रुपया कमा के आ जाओगे ना उस दिन बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। कितना मजा आया होगा उस दिन। जिस आदमी के नीचे एक को फंसा हुआ ना हो, जिसका बहुनी ने हुआ हो और उसको कोई बोले 1 लाख कमा के आना, मजा आया होगा ना। हम सर को बोले लीजिए अब जाइए कमा के 1 लाख। जानते हैं सर ने क्या जवाब दिया? सर ने कहा राजकुमार जी 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है आज से इस बिजनेस को छोड़ दो, मत करो इस बिजनेस को, आपने जो पैसा दिया उसका सामान तो मिल ही जाएगा, मत करो इस बिजनेस को, करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज इस बिजनेस को आपने छोड़ दिया तो आपने कितने लोगों को बताया है बिजनेस के बारे में? हमने कहा 10-12 लोग को बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन वो 10-12 आदमी जब जब आपके नजरों के सामने आएगा, नजरों से आपका मजाक उड़ाएगा, बोलेगा बन गया करोड़पति, कमा लिया सप्ताह का 2 लाख, बन गया डायमंड, और आपको जीवन भर उसका मजाक सहना पड़ेगा। और एक दूसरा रास्ता और है आपके पास। हमने पूछा वो क्या? उन्होंने कहा कि राजकुमार जी आपका दोस्त कहता है 1 लाख रुपया कमा के आओगे तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इसको 1 लाख रुपया कमा के दिखा देते हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, अगर उस दिन मेरी जगह आप होते या आपके जीवन में अगर ये सवाल आ जाए तो आप क्या करते, कौन सा रास्ता चुनते, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। हम भी आपके बीच से थे, हम भी आप ही के बीच से थे, पहला वाला कैसे चुनते? बिजनेसमैन थे भाई, वो भी बनिया, 70 बार घूमते थे तो 1 बार गिरते हैं। दिमाग लगाए कि जो लगना था वो तो लग गया, अब तो कुछ लगने के लिए है नहीं, अब अगर कुछ करेंगे कुछ होगा तो फायदे होगा। हमने हालांकि हमने से ज्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं,
फिर भी जितना भी पढ़ाई लिखाई की उसमें एक चीज हमने सुन रखा था कि दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी झूठ बोले, पूरे दिन में अगर वो 100 बार झूठ बोलता है ना, तो भी उसके बात में कम से कम 10 बात में सच्चाई होती है। यस या नो? इतना होता है? अरे भाई साहब, एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही समय देती है, 2 बार सही समय देती है। तो हमने कहीं सुन रखा था कि दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी झूठा हो, लेकिन अगर 100 बात बोलता है तो 10 बात में तो सच्चाई होगी। हमने सिर्फ अपनी सर को की बात को मान के इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत कर दी कि मेरे सर कितने भी झूठ बोलते होंगे, ये कहते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख आता है, राजकुमार अगर 10% भी सच हो गया, अगर 80,000 भी महीना घर में आ गया तो तेरा जाता क्या है। और इसी छोटी सी सोच के साथ उस दिन से काम काज करने की शुरुआत कर दी। दोस्तों, सर का सपोर्ट मिला, अपलाइन लोगों का सपोर्ट मिला, सिस्टम में हमारे शहर में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ट्रेनिंग और सेमिनार ऑलरेडी चालू हो चुका था। सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, सेमिनार में जाने का मौका मिला। दिशा वर्कशॉप मैडम बता रही थी नैनीताल में, उसी कामकाज के दरमियान दिशा वर्कशॉप को लेने का मौका मिला। और दिशा वर्कशॉप को जब लिया, और दिशा वर्कशॉप को जब लेने के बाद जब वहाँ पर उन 3 दिन को मैंने रह के देखा, तो अपने आप में एक टिश हुई और कसम खाया कि नहीं, काम को तो करना है। और लगातार जो भी कमियाँ थी उस कमियों को दूर करते हुए, सीखते हुए, लगातार काम करते 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 जीवन में एक दिन ऐसा आया जब महीने का 50,000 आने लगा। दोस्तों, महीने का 50,000। और जब महीने का 50,000 आने लगा तो अपने उस दोस्त के पास गया, और जाने के बाद अपने उस दोस्त के पास में जाने के बाद उसको प्रणाम किया और उसको बोला कि दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से इस बिजनेस से महीने का 50,000 आता है। अगर आपने 1 लाख की बात नहीं कही होती तो शायद आज मेरे जीवन में ये दिन नहीं आता, आपको लाख लाख धन्यवाद, लेकिन मैं आज आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपने 1 लाख कहा था, अभी मेरा 50,000 कम है। इतना बात बोल के आ गया दोस्तों, फिर से लगातार कामकाज करने की शुरुआत कर दी, लगातार लोगों से मिलता चला गया। और मजा तो तब आया जब अपनी इनकम महीने का 80,000 भी क्रॉस कर गया दोस्तों। और जब 80,000 क्रॉस कर गया तो 80,000 क्रॉस करने के बाद फिर अपने उस दोस्त के पास गया, और जाने के बाद फिर से प्रणाम किया और बोला, दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज महीने का 80,000 रुपया आता है इसी बिजनेस से, लेकिन दोस्त माफ करना, आज भी ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपने 1 लाख कहा था, अभी 20,000 कम है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा मजा तो उस दिन आया जब अपनी इनकम महीने का 1 लाख भी क्रॉस कर गई। उस दिन भी गया, उस दिन भी धन्यवाद दिया, और उस दिन भी कहा कि दोस्त माफ करना, आज भी तुमको ज्वाइन नहीं करा सकता हूं क्योंकि उस दिन मुझे आपकी जरूरत थी, आज आपकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, आज ये जो सामने में आपने देखा, इस चीज को पाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? लोग कहते हैं ये काम बहुत भारी है, ये है वो, बहुत सारी बात सुनते, बहुत सारे हॉल में लोग बैठे हुए होंगे। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, मैंने इस काम काज में यहां तक आने के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया। जिस तरह से इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी कोई ना कोई काम तो करता होगा दाल रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करता होगा, बस मैंने भी वही किया, मैंने भी इस काम को एक काम समझ के इसको करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, उनको बताया, इन बड़े भाई साहब को बताया, कुछ लोगों को इधर भी बताया, इन लोगों ने भरोसा नहीं किया। कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया और आज यहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि आज जो मेरा पहले का जो जीवन था और ये जीवन, दोनों में क्या अंतर है जानना चाहेंगे? अंतर जानना चाहेंगे? दोस्तों, जीवन वहां भी थी, लाखों की इनकम वहां, लाख रुपए तक की इनकम वहां भी थी, लेकिन दोस्तों वहां पर सोच नहीं थी, छोटी सी सोच थी। जैसा कि अभी मेरी मैडम ने बताया ना कि पहले जब कभी घर में किसी चीज के, घर में तो रहता ही नहीं था,
9 बजे जाना, 10 बजे 11 बजे रात में आना, ना संडे था ना मंडे था। तो घर में जब रहना ही नहीं था तो कोई जरूरत होगी तो कोई चीज मिलेगा क्या? कोई चीज मिलेगा क्या? जब भी किसी चीज की डिमांड होती थी तो दिमाग में एक ही बात आता था, क्या जरूरत है, काम चलिए तो जाता है, क्या जरूरत है, काम चल ही तो जाता है। लेकिन दोस्त बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पिछले 4 साल में गुरु लोगों का आशीर्वाद है, फ्रंट के रॉ का आशीर्वाद है कि सर लोगों ने इनकी ट्रेनिंग को ले लेके दिमाग को इतना डेवलप कर दिया कि आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो व्यक्ति अपनी घर की जॉब के लिए किसी भी चीज के लिए हमेशा सिर्फ एक बात बोला करता था कि जरूरत क्या है, काम चल ही तो जाता है। अरे जो व्यक्ति 2004 से 2011 लगातार 7 साल 80 रुपए का 100 रुपए का एक हाफ पैंट, रूपा कंपनी का बुमचुम और 100 रुपए का एक टी शर्ट पहन के 7 साल 8 साल जो अपने दुकान में गुजार दिया, आज बताते बहुत खुशी होती है कि आज इस सिस्टम ने दिमाग को इतना हाई कर दिया कि आज कोई भी ब्रांड हो आज अपने शरीर पर सोचती है। दोस्तों आज अपने शरीर पर सोचती है। एक समय दिमाग बोला करता था क्या जरूरत है, कपड़ा ही तो है, शरीर ही तो टकना है, जरूरत क्या है। लेकिन आज सब सपने इतना दिमाग को हाई कर दिया कि आज दिमाग सिर्फ एक ही बात बोलता है कि राजकुमार दिक्कत क्या है, सेफ तो बहना, सेफ तो बहना। अगर सोच की बात करूं तो आज आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, शायद मेरी मैडम को आज याद आ जाएगा या कभी मेरी स्पीच सुनी होगी तो उनको याद मिल गया होगा। जब अपने व्यवसाय को कर रहा था तो व्यवसाय को करते हुए मेरी मैडम एक दिन मेरे लिए 3,500 का घड़ी खरीद के लाई। कितने का? 3,500 का, बहुत महंगा घड़ी खरीद के लाई और हमको ला के दी गिफ्ट, लीजिए आपके लिए। और जब 3,500 की घड़ी दी तो मेरी मैडम को हमने शाबाशी नहीं दिया, 4-5 बात सुना दिया। क्या बोला जाना चाहेंगे उनको? हमने कहा क्या जरूरत थी, पहले से एक घड़ी मेरे कलाई पर थी, टाइटन की सोनाटा 600 रुपए की, फादर इन लॉ ने गिफ्ट में दिया था, वो चल रही थी, कलर वगैरह थोड़ा सा उड़ गया था। हमने उनको कहा कि इसका बेल्ट वगैरह बदलवा लेते, क्या जरूरत थी। दोस्तों ये सब सब की जिंदगी थी, सब सबसे पहले की जिंदगी। एक 3500 की घड़ी के लिए हमारी मैडम को 4-5 बात सुनना पड़ा कि जरूरत क्या थी, काम तो चल ही रहा था। लेकिन दोस्त आज सब सबने इतनी ताकत दी है कि आज मैडम भी वही है, कलाई भी वही है, सिर्फ घड़ी बदल गई है। आज वही 3500 की घड़ी पहन के 3500 की घड़ी घर पर आने वाला व्यक्ति अपनी मैडम को 4-5 बात सुनाता था, लेकिन आज सब सबने इतनी ताकत दी है कि आज उसी मैडम ने 1,47,400 का राडो गिफ्ट किया, लेकिन मैडम को एक बार भी बात सुनना नहीं पड़ा, एक बार भी बात सुनना नहीं पड़ा। दोस्तों आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस बिजनेस से पहले 1,00,000 तो मैं पहले भी कमा रहा था, लेकिन सोच नहीं होने की वजह से कभी दिमाग में नहीं आता था कि अपने पास भी गाड़ियां हो। दिमाग एक ही बात बोला करता था, जरूरत क्या है, अरे ये घर है 500 मीटर पर दुकान है, पैदल चले जाना है, पैदल चले जाना है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सोच नहीं थी। जब बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो स्कूटी पर मोटरसाइकिल पर जाना आना होता था, और जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं लगभग उस स्कूल में जितने भी शहर के लोग हैं अधिकतर बच्चे 4-व्हीलर से ही आते हैं। और जब हमारे बच्चे स्कूटी पर बैठा करते थे, मोटरसाइकिल पर बैठा करते थे, तो कभी कभी बोल दिया करते थे, पापा अपने पास भी कार आएगी क्या, अपने पास कार आएगी क्या। तो बिजनेसमैन थे, पैसा तो आ ही रहा था, कभी कभी सोचते थे कि चलो एक आध सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं, काम चल जाएगा, बच्चे का दिल रह जाएगा। ये सब सबसे पहले की जिंदगी थी दोस्त, लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज सब सपने इतनी ताकत दी है कि आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, अरे मेरी तो छोड़िए, आज मेरी मैडम 10,00,000 के गाड़ी को चलाती है, मेरी मैडम 10,00,000 के गाड़ी को चलाती है। जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। अरे मेरी तो छोड़िए, आज मेरी मैडम 10,00,000 की गाड़ी चलाती है। भाई साहब बड़ी बात है कि नहीं है? आप लोगों के लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात भाई साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आज भी याद आता है
जब अपने मोबाइल की दुकान पर बैठा करता था और जब कोई बढ़िया फोन लॉन्च करता था, कीमती फोन, तो यूज करने का मन किया करता था। तो मैं तो मोबाइल का दुकानदार था, होलसेलर था, तो क्या लगता है नया नया लॉन्च करता होगा तो सबसे पहले तो मैं ही यूज करता हूंगा, यस या नो? मैं यूज करता हूंगा ना, ऐसा नहीं था। मैं जुगाड़ लगाया करता था। क्या जुगाड़ किया करता था? कि कोई सेकंड हैंड में अगर बेच दे ना तो टिप टाप के अपना मन पूरा कर लेंगे। लेकिन क्या है, कोई आदमी नया फोन खरीदे तो सेकंड हैंड में क्यों बेचे? ये तमन्ना भी दिल में ही रह गई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तुमने इतनी ताकत दी है कि जो लड़का तीन तीन होलसेल की दुकान को चलाते हुए कभी 10,000 का फोन नहीं यूज कर सका, आज आपके सामने 1.5 लाख का तो फोन यूज करता है। 1.5 लाख का, 1.5 लाख का तो फोन यूज करता है आपके सामने। थैंक यू। और बताते हुए बहुत खुशी होती है भाई साहब, ये जो 1.25 लाख की आईफोन है ना, चलाने नहीं आता है। उसका कारण है, पहले बता दिए थे, मैट्रिक पास, वो भी सरकारी स्कूल से जहां 6ठा क्लास में ABCD सिखाया था, आईफोन चलेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जिस चीज का मजा बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ के बाल बच्चे ले सकते हैं, सिर्फ सबने इतनी ताकत दी है कि सिर्फ सबका टाइगर उसी के बराबरी का सामान यूज कर सकता है। दोस्तों, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आपके लिए छोटी बात हो सकती है दोस्तों, मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आज हमारे समाज में, आज हमारे बीच, हमारे परिवार में, बहुत सारे घरों में है मैट्रिक पास आदमी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक मैट्रिक पास आदमी अगर कहीं नौकरी करने के लिए जाए तो सरकारी लगेगी क्या? सरकारी लगेगी क्या? और प्राइवेट लग भी जाएगी तो कितने की? 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, उससे ज़्यादा की लगेगी क्या भाई साहब? 15,000 से ज़्यादा की नहीं लगेगी। लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, आज गुरु लोगों के आशीर्वाद से और टीम के साथ लगातार सिर्फ चलते रहने से आज ये मैट्रिक पास लड़का हर महीने लाखों रुपए महीने कमाता है। दोस्तों, लाखों रुपए महीने कमाता है। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी मेरी थी, मौका मुझे मिला था पकड़ने का, मैंने कस के पकड़ा और बदल दी अपनी जिंदगी। आज मौका आपके पास है जिंदगी को बदलने का। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, बड़े लोग जिनके पास पहले से करोड़ों और अरबों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं पहले से, वो आदमी अगर चाहे तो अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे काम काज कर सकता है। यस या नो? यस या नो? कर सकता है? अरे जो पहले से बड़ा है, जिसके पास लाखों करोड़ों है, वो कोई भी धंधा करके बढ़ जाएगा। प्लॉटिंग का काम कर लेगा, एजेंसी का काम कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, बिल्डिंग बनाना शुरू कर देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक आम आदमी, हमारे और आपके जैसा मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, क्या उसके पास कोई मौका है जिंदगी बनाने का? है बनाने का? तो हम आपको कहते हैं, क्या आपके पास मौका है? आपके पास मौका है। सिर्फ सब ये मौका देती है जहां पर जिंदगी में एक बार 10,000 रुपया लगा के और लगातार मेहनत करके बदल सकते हैं अपनी जिंदगी, बदल सकते हैं अपनी जिंदगी। ये फ्रंट रो के हमारे जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, सर हमारे साथ हैं, सिस्टम हमारे साथ है, फैसला सिर्फ आपको लेना है, कमिटमेंट आपको करनी है, लगातार 4 साल तक काम करने का। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट ले लिया लगातार 4 साल काम करने का, तो हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपका परिवार तो छोड़, आपका पड़ोसी भी डायमंड बनने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, पड़ोसी भी डायमंड बनने से रोक नहीं सकता है। लोग कहते हैं, मैं क्यों करूं इस कामकाज को, क्यों करूं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ठीक है, नहीं करिए इस कामकाज को। अरे हम कहते हैं, पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं, पैसे से हर चीज नहीं आ सकता। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि पैसा जिंदगी की जोत को आसान करता है कि नहीं करता है? जिंदगी की जोत को आसान करता है? आप मानते हैं?
मानते हैं इस बात को? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बिजनेसमैन का क्या है, सवेरे पैसा डालता है गन्ने की मशीन में, जैसे गन्ना को डाला जाता है, और थोड़ा सा रस के रूप में बाहर निकलता है। यस या नो? बहुत सारे बिजनेसमैन भाई यहां पर बैठे हुए हैं, उनको पता है, बताते हुए बहुत खुशी होती है। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, तीन तीन होलसेल की दुकान, लाख रुपया महीना कमाता था, सही में कमाता था। लेकिन बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा दिन नहीं था, सिर्फ संडे को छोड़ के, जब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं लोगों से भीख नहीं मांगा करता था। जब तक बैंक आवर हुआ करता था, अपने दोस्त से जरा 20,000 रुपया देना, नहीं वो काम है, जरा 20,000 रुपया देना, नहीं वो काम है, 50,000 देना, नहीं वो काम है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बिजनेसमैन था। ये 30,000 रुपए का फोन, होलसेल की दुकान, 10 फोन लाया बेचने के लिए, 3,00,000 पूंजी लगा। पिताजी एक बार पूंजी देंगे कि 10 बार? एक बार देंगे या 10 बार? एक बार। अभी एक सप्ताह हुआ, 7 फोन बिका, 3 फोन घरे में है, बिका नहीं, नया कंपनी ने मॉडल लॉन्च कर दिया। कहां से पैसा आएगा? कहां से पैसा आएगा भाई साहब? ऊपर वाले ने तो इंसान बना के भेजा था धरती पर, लेकिन मेरे बिजनेस ने हमको भिखारी बना दिया था, सुबह शाम लोगों से भीख मांगना। तो मेरे बिजनेस में तो हमको नहीं देखा। दूसरा चीज बताना चाहूंगा, मेरी शादी जिनसे अभी आपने मैडम से मिला, इनके पिताजी के बारे में बताना चाहता हूं। मैडम अन्यत मत लीजिएगा, सरकारी जॉब में है, ज्यादा सैलरी नहीं है, 1,00,000 रुपया लगभग है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, लोगों का सपना होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC की जॉब लोगों का सपना होता है भाई साहब। उनमें ऑक्शन इंचार्ज हैं, 1,00,000 रुपया सैलरी आता है लगभग। बड़ी बेटी का शादी किए लोन पर, 10,00,000, 10 पेटी, हम तो फ्री में किए, सामने बोल रहे। बड़ी बेटी का शादी किए 10 पेटी लोन पर। दूगो बेटा है जयपुर और दिल्ली में पढ़ा, लोन पर ज्यादा नहीं 7,00,000 रुपया लगा होगा, 17। घर बिहार तरीफ के रहने वाले थे, अपना जमीन था, तो बिहारी वाला सोच, बेटी का तनी बराती अपने दरवाजे से निकलता तो बढ़िया होता, तो लगले हाथ घरों बना लिए। ज्यादा लोन नहीं हुआ, 30,00,000, यानी 47,00,000 का लोन हो गया। जो 1,00,000 रुपया आता होगा ना घर में, वो कट के 35,000 आने लगा। उनको आज के डेट में अगर फोन चला जाए कि ससुर जी जरा 10,000 रुपया दीजिएगा जरूरी है, तो एक आध सप्ताह फोन नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं बिजनेसमैन था, मैं भी परेशान, सरकारी जॉब में थे वो भी परेशान। लेकिन दोस्त बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सेफ शॉप ने इतनी ताकत दी है, सेफ शॉप ने इतनी ताकत दी है कि आज एक सप्ताह का पैसा हम खर्च नहीं कर पाते, दूसरे सप्ताह का पैसा अकाउंट में आ जाता है। दूसरे सप्ताह का पैसा खर्च नहीं कर पाते, तीसरे सप्ताह का पैसा अकाउंट में आ जाता है। क्या चाहिए आपको ऐसी जिंदगी? चाहिए? बिल्कुल मिलेगी दोस्त, बिल्कुल मिलेगी दोस्त। अगर समय की बात करें, अगर समय की बात करें, अगर इस बिजनेस में नहीं होता, अपने व्यवसाय में बिजी था, सवेरे 9 बजे दुकान जाता था, रात में 10-11 बजे दुकान आता था, ना संडे था ना मंडे था, जिंदगी चल रही थी। और हमको याद है कि अभी तो मैडम नहीं कुछ बोल रही है, बृहस्पति भी बोल दी, हमको वो दिन याद है जब 7-9 बजे जाते थे, 12 बजे आते थे ना, तो कभी कभी बोलती थी जब 9 बजे जाना है 12 बजे आना है तो शादी किए का दिल है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है तो टाइम नहीं है, पेरेंट मीटिंग में जाना है तो टाइम नहीं है, फलना का शादी हो रहा है टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम कहां से होगा? टाइम इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है। अरे पैसा रहेगा तब ना टाइम रहेगा, जब पैसे नहीं है तो टाइम नहीं। दूसरा, दुकान पर डर, दुकान में 30-30 गो स्टाफ, मैट्रिक पास आदमी, लिखा पढ़ी कुछ नहीं, 2 घंटा दुकान छोड़ के जाएंगे 2-4-500 माल अंदर, तो कहां से समय मिलेगा? लेकिन दोस्त आज बताते हैं बहुत खुशी होती है कि सेफ शॉप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है। जब शुरुआत की थी इस बिजनेस में तो बताया गया था यहाँ पर काम करने से पैसा आता है। दोस्तों लगातार काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, लेकिन जब टीम 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 लोगों को क्रॉस कर गई, तो मैंने एक चीज देखा, बड़ा विचित्र हुआ मेरे साथ। क्या देखा? कि मैं घूमने के लिए कभी बाहर चला गया एक सप्ताह के लिए तो अभी अकाउंट में पैसा आ गया। मैं कहीं घूमने के लिए चला गया, मैंने काम नहीं किया, फिर भी पैसा आ गया।
तो बड़ा लगा कि अरे बड़ा बढ़िया बिजनेस है। तो मैंने सर से पूछा, संजीव सर को शायद याद होगा, एक बार सर से पूछे थे, सर बड़ा बढ़िया बिजनेस है, अब काम नहीं हो करते हैं तो पैसा आता है। तो सर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया था। सर बोले थे, बात तो सही है लेकिन लटूरे पैसा तुमको आ रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सर वो कहानी भी सुनाते हैं कि एगो जो है ना, एगो कोई गाय अगर 8 लीटर दूध देती है और कोई 12 लीटर देती है तो उसके बच्चे को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने के लिए तो 250 ग्राम मिलता है। तो हमको जब पैसा आने लगा तो सर से हम पूछे कि सर बड़ा बढ़िया काम है, काम नहीं करते हैं तैयो पैसा आता है। सर बोले, लटूरे तुमको पैसा आता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तेरे टीम में कितने पैसे आते हैं। तो दोस्तों, लगातार और मेहनत को बढ़ाया और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई 7वां पास, कोई 8वां पास, कोई मैट्रिक पास, लेकिन लाखों रुपया महीना कमाते हैं। दोस्तों, लाखों रुपया महीना कमाते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं पैसे की आजादी मिली, आज सोचना नहीं पड़ता है, समय की आजादी मिली, आज काम करे ना करे आज हर सप्ताह पैसा घर में आता है। अगर दोस्तों मान सम्मान की बात करें तो दोस्तों विश्वास करें, जब अपने दुकान पर बैठा करता था और कोई कस्टमर मोबाइल लेके गया, 1 महीना पहले खराब हो गया, आता था और दुकान पर बोलता था, पकड़िए देखिए क्या हो गया। हम बोले, क्या हुआ भाई? अरे देखिए ना क्या हो गया। हम बोले, बताओ ना क्या हो गया। अरे आपको पता था जब भी कंपनी बढ़िया नहीं था मोबाइल क्यों दिए? लो कर लो बात। ऐसा मान सम्मान था। कभी कभी ऐसा भी होता था दुकान पर कि कोई उधार मांग दिया, नहीं देते थे ना, कहता था उठा के ले जाएंगे, चिंता नहीं करो, ये मान सम्मान था। लेकिन दोस्त आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, आज इस बिजनेस के माध्यम से जब लगातार काम काज करने की शुरुआत की और लगातार काम करते करते टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम काज को किया, और आज जो जो खुशियाँ मेरे जीवन में आई वो खुशियाँ उनके घर में भी गई। आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज जब भी किसी मीटिंग में या जब भी कहीं मौका मिलता है तो लोग उस तरह से सम्मान नहीं करते, लोग फूलों और मालाओं से सम्मान करते हैं। दोस्तों फूलों और मालाओं से सम्मान करते हैं। दोस्तों 1000 कारण है इस बिजनेस को नहीं करने का, 1000 कारण है इस बिजनेस को नहीं करने का, लेकिन एक कारण है इस बिजनेस को पागलों की तरह करने का। बता दें मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आज मैं बोलना चाहता हूं, आज हमारे बीच में हम अपने बच्चों बाल बच्चे को सपने दिखाते हैं, उनको सपना देते हैं और खुद सपना देखते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा क्लास 1 अधिकारी बन जाए। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी डॉक्टर साहब खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा कमाने के दरमियान अगर राह चलते उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई और वो दुनिया से चले गए तो उनका बेटा डॉक्टर बनेगा क्या? उनकी पत्नी डॉक्टर बनेगी क्या? अरे बनेगी, उनको एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बनेंगे। कोई इंजीनियर साहब, कोई वकील साहब, दुनिया का कोई तो प्रोफाइल नहीं है जिस प्रोफाइल में आदमी राह चलते चला जाए दुनिया से तो उसके बाल बच्चे पत्नी को वो पोस्ट मिल जाए। यस या नो? लेकिन दोस्त आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, आज मेरा बेटा 6 साल का है, आज मेरा बेटा 6 साल का है, और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब ये 18 साल का होगा, आज से 12 साल के बाद इसके नीचे 10 लाख लोग होंगे, 10 लाख। थैंक यू। अरे सेफ शॉप में डायमंड बनना अपने बेटे पर डायमंड बनने का मोहर लगाने के जैसा है, मोहर लगाने के जैसा है। थैंक यू। अविनाश सर की हमेशा वो बात याद आती है, जब पहली बार सिल्वर का सम्मान लिया था, अविनाश सर डायमंड बने थे और सर ने स्टेज से एक बात कहा था, लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज भी इस हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए होंगे, कुछ लोग सुनेंगे कुछ लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। सर ने उस दिन कहा था कि अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के घर में 3 बच्चे हैं, सर शायद आपको याद होगा, सर अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, कुछ मत करना, जब इस हॉल से बाहर निकलोगे ना तो आज से मान लेना कि सेफ शॉप अगर 2 बच्चे पहले से हैं तो सेफ शॉप आपका 3रा बच्चा है, अगर 3 बच्चे पहले से हैं तो सेफ शॉप को 4था बच्चा मान लेना, और कुछ मत करना। जिस तरह से अपने उन 2 बच्चों का लालन पालन प्यार पोषण करते हो ना, 22 साल तक उनको पढ़ाते हो लिखाते हो हर चीज करते हो, और 22 साल पढ़ाने लिखाने के बाद पता नहीं
22 साल के बाद वो जवान होगा तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन दोस्त इस बात की गारंटी देता हूं, सर ने कहा था, इस बात की गारंटी देता हूं, अगर कोई आदमी इस बिजनेस को अपना अगर तीसरा बच्चा मान ले और 4 साल तक इसको दुलार प्यार लालन पालन कर ले, तो इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले 4 साल के बाद आपका 22 साल वाला बच्चा आपका बुढ़ापा का सहारा बने ना बने, लेकिन ये सेफ्टॉप का बच्चा 4 साल के बाद आपका बुढ़ापा और आपके बेटे की जवानी देख देगा, जवानी देख देगा। तो थैंक यू, आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी? थैंक यू। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, बोलने के लिए बहुत कुछ था, वाकई में 2-3 घंटे तो माइक छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन समय बहुत कम है, गुरु लोग को भी सुनना है, अपनी वाणी को वहीं पर विराम दूंगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस करने के दरमियान जो आदमी कभी बेगूसराय से पटना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 साल